के बिल्कुल जनरल क्लास के पैसेंजर्स आराम से इसी टू टायर में आ रहे हैं। कोई सिक्योरिटी वगैरह का अभी तक ख्याल नहीं दिया जा रहा। हम सिवाई देखिए तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का पार्ट टू के इस काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की जर्नी के। पार्ट वन में हमने न्यू दिल्ली से शाहजहांपुर तक का सफर देखा था और पार्ट टू में हम हरदोई से पूरा बनारस तक का सफर तय करेंगे। हरदोई सिटी को प्रहलाद नगर नाम से भी जाना जाता है और इसे द सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। यहाँ पे छोटे बड़े काफी सारे टेम्पल्स हैं। अपने निर्धारित समय से तकरीबन 4 घंटे की देरी से हमारा आगमन हुआ है हरदोई रेलवे स्टेशन पे। वैसे ट्रेन की ऑफिशियल टाइमिंग होती है 7:06, 2 मिनट का इसका यहाँ पे हॉल्ट है। और एक चीज़ अच्छी है कि अब ये स्टेशन का डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है, आप ये देख सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन वगैरह हैं, आपको कोई बीमारी वगैरह है तो आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है ऊपर चढ़ने के लिए। तो यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। हरदोई रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है HRI। कुल यहाँ पे छोटी बड़ी मिला के तकरीबन 72 ट्रेनें आके यहाँ पे हॉल्ट लेती हैं। तो यहाँ भी हम एक चाय ले रहे हैं यही हरदोई रेलवे स्टेशन पे। लो भैया पैसे काट लो। सुबह से कॉफ़ी पी के यहाँ मेरे को हरदोई में चाय दिख गई और देखने में चाय अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं चाय को। और चाय वाकई में काफ़ी अच्छी है। निकल के खंडा और चाय में जाए ना तो एक अलग से सुकून मिल जाता है। तो ऑन बोर्ड केटरिंग से हमने ये वेज थाली ली है जिसका कॉस्ट हमें 130 रुपीज़ पड़ा है। तो यहाँ देखिए हमारे पास 2 पराठे दिए गए हैं, चावल दिया गया है, दाल दी गई है, पनीर की मटर पनीर की सब्जी है, अचार है, साथ में इधर है देखिए, इधर देखिए आलू की सब्जी दी गई है। चलिए सबसे पहले पराठों को और आलू सोयाबीन की सब्जी को टेस्ट करते हैं। ठीक है, सोयाबीन की सब्जी सही है। अब चावल को ट्राई कर लेते हैं दाल के साथ। दाल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, हाँ गाढ़ी है लेकिन स्वाद नहीं है। अब पनीर को ट्राई कर लेते हैं। पनीर तो भाई देखने से ही बकवास लग रहे हैं, अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। नहीं, खाने में दम नहीं है। 130 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, क्वांटिटी भी कम है इनकी और खाने में मज़ा नहीं है। तो अगर आप आ रहे हैं ना तो घर से अपना लेके चलिए, एमरजेंसी होगी तभी आप लीजिएगा, वरना आप ISATC ई कैटरिंग से भी ऑर्डर कर सकते हैं। पर हमें तो भाई ट्रेन का रिव्यू आप सभी को देना होता है कि फ़ूड वगैरह का कैसा है, तो फूड को तो मैं 10/2 देना चाहूँगा क्योंकि बस आलू सोयाबीन की सब्ज़ी अच्छी थी, बाकी सब बकवास है इसका। मुस्कुराइए क्योंकि आप नवाबों के शहर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वक्त रात के बज रहे हैं तकरीबन 12:55 और हम आ चुके हैं लखनऊ चारबाग NR रेलवे स्टेशन। लखनऊ में 2 मेजर रेलवे स्टेशन है, एक है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन जिसे बड़ी लाइन भी कहा जाता है लोकली, और एक है लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन जो कि ठीक स्टेशन से बाहर है और उसे छोटी लाइन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। लखनऊ जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है वो एक तरह से टर्मिनल रेलवे स्टेशन है और जो लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन है ये पासिंग रेलवे स्टेशन है। लखनऊ सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, नॉर्दर्न इंडिया का भी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट शहर है। यहाँ पे आपको हर तरह के फैसिलिटीज़ मिलेंगी, चाहे वो अच्छे अच्छे मॉल्स हो, इंटरनेशनल स्टेडियम्स हो। और आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ की जो धड़कन है ना वो है हजरतगंज। अगर आप, मैं दिल्ली में से किसी ने CP को देखा होगा ना, तो अगर आप हजरतगंज को देखेंगे तो आपको बिल्कुल CP की याद आएगी। और दूसरी बात ये, अगर आप हजरतगंज में घूमते हैं ना तो उसे पता क्या कहते हैं, गंजिंग इन हजरतगंज। लखनऊ तो मेरा वैसे आना जाना काफ़ी बार हो चुका है, यहाँ से मैंने कई सारी डेडिकेटेड ट्रेनें भी करी है जिसमें मुझे याद आता है लखनऊ जंक्शन, आनंद विहार, डबल डेकर एक्सप्रेस। अगर उसके आपने जर्नी नहीं देखी है तो जाके चैनल पर देख सकते हैं।
लखनऊ से चलकर न्यू दिल्ली की ओर जाने वाली इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट तेजस ट्रेन, उसकी भी मैंने एंड टू एंड जर्नी करी थी, वो भी आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। तकरीबन पौने चार घंटे की देरी से हमारी ट्रेन यहाँ पे लखनऊ चारबाग अनार रेलवे स्टेशन पे आई है। तो अब मुझे उम्मीद है कि शायद हम सुबह 7-8 बजे तक बनारस रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी इसकी ज़्यादा हॉल्ट्स नहीं है। कि जो हमारी डेट ऑफ जर्नी है वो है 7 नवंबर, और अच्छी खासी ठंड लगना शुरू हो चुकी है इस वक्त। आप देख सकते हैं लखनऊ में धीरे धीरे फॉग भी आना शुरू हो चुका है। बेस्ट थिंग ये है कि ये फॉग है, स्मॉग नहीं है, जो कि दिल्ली में होता है। स्मॉग और फॉग में फ़र्क होता है। फॉग होता है कोहरा, स्मॉग वो होता है वो जो कोहरे और पोल्यूशन को मिलके बने। देखिए यार, इस जर्नी के दौरान ये हमारा सबसे बड़ा हॉल्ट है बनारस रेलवे स्टेशन के अलावा। तो मैं आपको कुछ ट्रेन की टेक्निकल जानकारी दे देता हूँ। ट्रेन में आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास, जनरल क्लास। फेयर की जानकारी भी आपके साथ लगे हाथ शेयर कर देता हूँ। आपको फर्स्ट एसी का फेयर पड़ेगा न्यू दिल्ली से बनारस के बीच में तकरीबन 2750 रुपये करीब। सेकंड एसी में, जिसमें आज हमारी यात्रा होने वाली है, इसका फेयर तकरीबन हमने 1650 रुपये पे किया है। इस ट्रेन के थर्ड एसी में आप सभी को ट्रैवल करने के लिए तकरीबन आपको 1150 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। स्लीपर क्लास में 450 रुपये करीब, और जनरल ठीक इसका आधा कर दीजिए, मतलब 225-230 रुपये के करीब। इनमें 9 थर्ड एसी के डब्बे लगते हैं, 5 स्लीपर क्लास के डब्बे लगते हैं, 4 जनरल क्लास, 2 सेकंड एसी, 1 फर्स्ट फुल एसी का कोच लगता है। लखनऊ चारबाग एनआर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है LKO। और आपको एक मजे की बात बताऊं, लखनऊ एयरपोर्ट का भी जो कोड है ना, वो LKO ही है। यहाँ देखिए WB7 हावड़ा शेड का 30568 हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस के साथ। लखनऊ रेलवे स्टेशन आप आएंगे ना, तो आपको मतलब हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पर रिटायरिंग रूम, डोरमेट्री, साथ ही साथ एक्सक्यूटिव लाउंजेस, वेटिंग हॉल, और तो और स्टेशन पर आपको खाने पीने की काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस हावड़ा से चलकर जो बीकानेर की ओर जा रही है, आप ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खाली है। और ये एज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी ना जितने भी लोग हैं ना, वो सब अपने घर की तरफ जा रहे हैं, घर से काम की तरफ नहीं आ रहे हैं। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है ना कि दुरंतो लिवरी के कोचेस दुरंतो को छोड़ के हर ट्रेन में आपको देखने को मिल जाएंगे। और वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रात आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का। तो लखनऊ रेलवे स्टेशन के बाद ना मैं काफ़ी देर सो गया था, और अभी तकरीबन सुबह के 4 बज रहे हैं, और इस वक्त हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के माँ बिलहा देवी धाम प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पे। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का पहले नाम हुआ करता प्रतापगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, लेकिन अभी कुछ 2 महीने पहले इसका नाम प्रतापगढ़ जंक्शन से बदल के नाम कर दिया गया, इसका माँ बेलहा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश में, और ये सिचुएटेड है प्रतापगढ़ जंक्शन अयोध्या एंड प्रतापगढ़ बनारस मेन लाइन पे। एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से एक लाइन चल जाती है आगे अयोध्या की तरफ, और एक लाइन चल जाती है आगे बनारस की तरफ। अब हम यहाँ से भदोही होते हुए बनारस की तरफ बढ़ने वाले हैं। अगर आप कभी इस रूट में ट्रैवल करेंगे ना, तो 2 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे ट्रेनों को आती हैं तो हमेशा 5 मिनट का हॉल्ट दिया जाता है। एक है रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन, और दूसरा है अपना ये माँ बिलहा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। देखिए, आपको कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज मिल जाएंगी यहाँ पे, बट हालांकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौसम तो अब सर्दी का आ चुका है। और यहाँ पे WAP1 के साथ इंटरसिटी एक्सप्रेस स्टैंड हो रखी है। सुबह 4:13 पे हमारा यहाँ से प्रस्थान हुआ है। यहाँ देखिए यार, इन लोगों को सलूट है एकदम, मतलब ओस में ओढ़ के सो रखे हैं, हालांकि काफी टफ होता है। ये
देखिए सेकेंड एसी में ट्रैवल करने का भी ना एक अलग ही पर्क है, अलग ही इसके बेनिफिट है। ऑफ कोर्स ही बात है यार, आप एसी थ्री टायर के मुकाबले इसमें ज़्यादा पैसे दे के अगर जा रहे हैं तो कुछ इसकी सुविधाएं भी होती हैं। सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है अगर आपको सेकंड एसी में लोअर बर्थ मिलती है ना, तो आपको लिए मतलब सबसे बेस्ट सीट है वो पूछे क्यों, क्योंकि इसमें जो लोअर बर्थ होती है मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें एक्स्ट्रा कुशनिंग आपको मिलती है। जब ना जो नॉर्मल थर्ड एसी की सीट्स होती है ना, उसी वाली जिसमें हम ऐसे ठेक लगा के बैठते हैं, वो क्या होती है ऊपर उठ के मिडिल बर्थ बन जाती है ना, इसमें वो नीचे आ जाती है और वो आपके लिए एक्स्ट्रा गद्दे का काम करती है। ठीक है, बिल्कुल इसे ऐसे आराम से पैक कर दीजिए और एकदम फुल प्राइवेसी का मजा ले। पूरा दिल्ली से ऐसे ही करते हुए आया हूँ, क्योंकि देखिए एक तो साइड लोअर बर्थ थी, ऊपर से इसमें आरएसी भी नहीं लगी थी, एकदम प्रॉपर कंफर्म थी मेरी, तो भाई एकदम मज़ा आ गया पूरे सफ़र के दौरान। हाँ ट्रेन लेट थी, लेकिन उसके अलावा मतलब सब कुछ सही था। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे लोग ना एसी वगैरह में जो ट्रैवल करते हैं ना, जाम तौर पर थर्ड एसी सेकंड एसी अगर दिन के टाइम में, तो वो ना ज़्यादातर ना सोना ही पसंद करते हैं। तो आज की इस जर्नी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में भी हमारे साथ यही हुआ, क्योंकि मैं इकलौता ऐसा था जो जाग रहा था, मतलब कॉन्स्टेंटली एक्टिव था, बाकी सब लोग आराम से सो रखे थे, कोई परेशान था ट्रेन कितना लेट हो गई, कब पहुँचेगी, क्या होगा। मैं तो इधर बिंदास था, मैंने कहा यार कभी भी पहुँचेगी, अपने को तो कंटेंट बनाना ही है इस ट्रेन का, इसी चीज़ के लिए आए ही हम। तो मैं आराम से पूरा एक्टिव था, लेकिन बाकी सब लोग कोई पर्दा लगा के सो गया है, कोई अपना कुशन खोल के सो गया है, कोई बैठा है, मतलब सब अपने अपने हिसाब से जर्नी काट ही रहे थे। बेस्ट चीज़ है आप जो मेरे साइड अपर वाले भैया थे ना, वो भी आए और वो भी ऊपर ही चले गए, मतलब ऊपर जाके सो रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, ये तो बहुत अच्छा किया। तो आराम से मैंने देखिए अपने कर्टन्स वगैरह पूरे सही से लगाए और फुल मैं जर्नी की वाइब लेता हुआ आया हूँ। अगर ये काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस टाइम पर रही होती ना, तो मैं उठता भी इसी वक्त, लेकिन उठ के आपसे उस वक्त ये कह रहा होता कि अभी हम बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, लेकिन इन रियलिटी अभी हम बनारस रेलवे स्टेशन से तकरीबन 110 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ख्याल से अगले 1.5 से 2 घंटे में हमें आराम से पहुंच ही जाना चाहिए बनारस रेलवे स्टेशन। अब इससे ज़्यादा ले लेंगे तो यार कुछ कह नहीं सकते, मतलब लॉजिक के हिसाब से तो इतना ही बनता है। बट वही चीज़ है ना, बांग्लादेश क्रिकेट टीम हो या इंडियन रेलवे हो, इसमें लॉजिक बहुत ही कम काम करता है। इस वक्त हम बादशाहपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, जिसे मुंगरा बादशाहपुर कहा जाता है और ये जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। अगर मेजर सिटी यहां से अगर कोई सबसे पास है तो वो है प्रयागराज शहर, जिसकी दूरी यहां से तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर के बीच में है। और स्टेशन ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इवन आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी पूरी ट्रेन भी नहीं आ पाई है प्लेटफॉर्म पे। देखिए सामने है रेलवे स्टेशन और हमारे तकरीबन 3 कोच जो हैं वो नहीं आ पाए हैं प्लेटफॉर्म पे पूरी तरीके से। 4:50 हो रहे हैं और अगर कायदे से देखा जाए ना, तो बनारस की दूरी यहाँ से तकरीबन 95 किलोमीटर के करीब की है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल जनरल क्लास के पैसेंजर्स आराम से इसी 2 टायर में आ रहे हैं, कोई सिक्योरिटी वगैरह का अभी तक ख्याल नहीं दिया जा रहा। ये देखिए आराम से भाई, देखिए यार देखिए रात में तो आरपीएफ वगैरह पेट्रोलिंग वगैरह सही से कर रहे थे, लेकिन अभी जब से मैं सुबह उठा हूँ प्रतापगढ़ जंक्शन से, कोई भी लोकल आके इसमें चढ़े जा रहा है, बैठे जा रहा है और आराम से जा रहा है, मतलब एक एक दो दो स्टॉप के लिए। तो यार ये चीज़ अगर थोड़ा इंप्रूव होती तो अच्छा रहता, क्योंकि पैसेंजर्स की सेफ्टी, उनके लगेज वगैरह का ख्याल कौन रखेगा यार, ये आरपीएफ का ही तो काम है। यही तो आरपीएफ का काम है, आरपीएफ का काम ये थोड़ी है कि आप एक दो बार पेट्रोल किया किसी को है क्या कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है ना, ये सब करके बंद कर देना। भाई आपका काम है रात भर पेट्रोलिंग करने का या कोच के बाहर रहने का या कुछ भी करने का, क्योंकि आप उसके लिए आपको रखा गया है और वो आपकी ड्यूटी है, उसके लिए आपको बाय पब्लिक के टैक्स से पे किया जा रहा है। 5:15 हो रहे हैं, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। जंघई एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से टोटल 4 लाइनें निकली हैं। एक लाइन चल जाती है जौनपुर की तरफ, एक लाइन चल जाती है यहाँ से फूलपुर होते हुए प्रयागराज की तरफ, एक लाइन आगे चल जाती है भदोही की तरफ और एक लाइन जिसके ऊपर से हम अभी आ रहे हैं यानी आती है प्रतापगढ़ की तरफ से। देखिए फिलहाल कुछ ऐसा दिखता है जंघई जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है, वरना पहले इस स्टेशन की हालत काफ़ी खस्ता हुआ करती थी, लेकिन अभी इसमें काफ़ी सुधार लाया जा रहा है। फिर मेरी कमायनी एक्सप्रेस की जर्नी देखी होगी तो उसमें मैंने आपको डिटेल में इस जंघई जंक्शन का पूरा व्यू वगैरह दिखाया था, क्योंकि उसमें हमने दिन के टाइम इस सेक्शन को कवर किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। कमायनी एक्सप्रेस इकलौती बनारस से मुंबई के बीच में ऐसी ट्रेन है जो कि वाया भदोही होते हुए भोपाल के रास्ते मुंबई तक पहुंचती है। जंघई रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे ना, आपको ऑटोस जीप वगैरह की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको स्टेशन के बाहर ना बस डिपो भी मिल जाएगा। बस डिपो से ना आपको प्रयागराज जौनपुर बनारस इन सब जगह जाने के लिए ना बहुत ही ईजिली और फ्रिक्वेंटली बस मिलती जाएंगी। नए प्लेटफॉर्म्स और ट्रैक्स यहाँ पर बिछाने का काम भी जारी है। जंघई जंक्शन को एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है और
भदोही को द कारपेट सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि अकेले भदोही में साउथ एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हैंड नॉटेड कारपेट वीविंग इंडस्ट्री का हब है। एक अच्छा खासा यहाँ पर ना पेट्रोलियस रिवॉर्ड हुआ है, चाहे वो एसी फर्स्ट क्लास हो, एसी सेकंड क्लास हो, एसी थर्ड क्लास हो, हर कोर्स से ना काफी अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ पे रिवॉर्ड हुए हैं। और उसके पीछे मेन रीजन ये है, दिल्ली से भदोही के बीच में ना ये इकलौती ऐसी डेली ट्रेन है जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। स्टेशन कोड है BOY। भदोही रेलवे स्टेशन से ना मतलब आपको ऑल ओवर इंडिया जाने के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी। स्पेशली भदोही को कनेक्ट करने के लिए ना काफ़ी सारी ट्रेनों को इस रूट से चलाया जाता है। मात्र 2 प्लेटफॉर्म का एक छोटा रेलवे स्टेशन है, लेकिन भाई पैसेंजर्स की यहाँ पे कभी कमी नहीं रहती है। भदोही डिस्ट्रिक्ट ना पहले बनारस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था। भदोही डिस्ट्रिक्ट को ना संत रविदास नगर डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, मतलब आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ऑफिशियली इसका नाम तो संत रविदास नगर डिस्ट्रिक्ट ही है। 2 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारा यहाँ से 5:52 पर भदोही रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो चुका है। ये देखिए कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे डिबोर्ड हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। खाली हो चुकी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इंटीरियर। देखिए सेकंड एसी में ये होता है कि आप ना जो ये वाली सीट होती है ना, इसको आप नीचे की तरफ कर सकते हैं, तो बाद में देखिए ऐसी हो जाती है, एकदम कंफर्टेबल होती है सेकंड एसी की लोअर बर्थ। और इधर देखिए चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं हर सीट के लिए, और इधर देखिए इसे रीडिंग लाइट कहते हैं, और ये तो अपने कर्टन्स हैं साइड लोअर साइड अपर के लिए। तो ऐसा कुछ होता है ओवरऑल इसका इंटीरियर। सुबह का वक्त है तो मैंने सोचा एक चाय ले ली जाए, तो वही चाय मैं पी रहा हूँ। अब सर्दियों का वक्त आ रहा है तो फॉग होना एकदम अच्छे से स्टार्ट हो चुका है, तो अब देखिए शायद अगले 1-1.5 महीने के अंदर ट्रेनें दबा के लेट होना शुरू हो जाएंगे। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ना 4 स्टॉप्स में ना बैक टू बैक रुकती है। वो 4 स्टॉप्स हैं, सबसे पहले ये ट्रेन सेवापुरी रुकती है, देन ये ट्रेन रुकती है चौखंडी, उसके बाद ये ट्रेन रुकती है लोहता, उसके बाद ट्रेन जाके फाइनल अपने हॉल्ट बनारस रेलवे स्टेशन पे जाके हॉल्ट लेती है। तो मैं सेवापुरी, चौखंडी, लोहता तीनों को स्किप करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप में से कोई बनारस का लोकल है तो आप सब जानते हैं ये स्टेशन मतलब बिल्कुल बहुत ही छोटे से रेलवे स्टेशन है। चीज़ है कि रास्ते में मैंने कुछ भी जो स्टॉप्स मिस किए होंगे ना, तो भाई वो बिल्कुल अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से ही मिस किए हैं, तो भाई उसके लिए प्लीज़ डांटना वगैरह मत, और आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कभी और जाऊँगा तो उस जर्नी में उनको कवर कर लूँगा, भले ही स्किप वगैरह ही दिखा दूँगा आप सभी को, क्योंकि यार इतने हॉल्स वगैरह ना कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने ऑलरेडी सोचा कि इसे 2 पार्ट में बनाऊँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और मैं आपको पूरी टू द पॉइंट जानकारी दे पाऊँ। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया ना तो भाई सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना। निर्धारित समय से तकरीबन 2.5 घंटे की देरी से हम आ चुके हैं महादेव जी की सबसे प्यारी नगरी बनारस के बनारस रेलवे स्टेशन में। ट्रेन की ऑफिशियल टाइमिंग थी पहुंचने की 4:40 और हम यहां पे आए हैं तकरीबन 7:10 पे। बनारस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है BSBS।
बनारस शहर में ना आपको ना कई सारे मेजर रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, दूसरा है बनारस रेलवे स्टेशन, फिर है काशी रेलवे स्टेशन, सारनाथ रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन या क्या है कैंट रेलवे स्टेशन। वहाँ से आप 16 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। पहले वो भी क्या बोलते हैं बनारस का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में जब चंदौली डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किया गया तो वो चला गया चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। पंक्चुअलिटी को हटा दिया जाए ना तो ट्रेन हर मामले में ठीक थी। अब इसके हॉल्स इतने ज़्यादा है तो ट्रैवलर तो इसे प्रेफर नहीं करते, लेकिन यार देखिए हर ट्रेन का अगर नॉन स्टॉप भी चला दिया जाएगा तो जो बीच के स्टेशन के पैसेंजर है वो कैसे रहे, है ना। तो सबके अपने अपने प्रेफरेंस होती है, किन्हीं लोगों के लिए ये ट्रेन सबसे बेस्ट है, बहुत से लोगों के लिए शिवगंगा बेस्ट है, बहुत से लोगों के लिए बनारस सुपरफास्ट बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से ना ट्रेन तो एकदम बेस्ट है, ISO सर्टिफाइड ये ट्रेन है, क्लीननेस वगैरह हर चीज़ की कमाल की थी। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर ये ट्रेन दिल्ली पे आई थी, है ना, तकरीबन सुबह 9:30 बजे दिल्ली आ गई थी, अब चाहते तो इसको भेज सकते थे 11:30 बजे तक, क्योंकि इसका प्राइमरी मेंटेनेंस वगैरह तो दिल्ली में होता नहीं है। फिर भी इस ट्रेन को बकायदा रिशेड्यूल किया गया, इसकी अच्छे से साफ सफाई की गई, साफ सफाई में तो कोई कमी नहीं थी एज एक्सपेक्टेड। हाँ, अगर इसके अंदर फूड थोड़ा अच्छा सर्व किया जाए ना तो और ये ट्रेन बेस्ट हो सकती है। मैंने तो ऑलरेडी कंप्लेंट मारी थी और मैंने कहा था कि भैया देखो कैसा फूड आप दे रहे हो, चलो। तो फिर उन्होंने कहा था कि भैया सर कंप्लेंट वापस ले लो, मैंने कहा ठीक है चलो वापस ले लेता हूँ, बट ठीक है अपने फूड को सुधारिए। उन्होंने कहा कि आप अगली बार आइए पक्का देखिए आपको इसमें फूड सुधराव मिलेगा। मैंने कहा खैर अगली बार मैं क्या ही कभी आऊँगा इस ट्रेन में, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता कंटेंट बनाने के लिए आ रहा था, वरना बनारस आने के लिए तो आप भी जानते हैं इससे भी बेस्ट बेस्ट ट्रेनें मिल जाती हैं। तो चलिए अब सीधा चलते हैं अपने कोच के अंदर, अपना सामान वगैरह लेते हैं, मिलते हैं जल्दी आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद आप सभी को।